हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक जानकारी है डिफरेंस बिटवीन सिट्रिक एसिड, टार्टरी एंड क्रीम ऑफ टार्टर, और इन सभी के एवरीडे लाइफ में उपयोगों के विषय में। इन तीनों रसायन का उपयोग विभिन्न व्यंजनों और बेकिंग आदि में होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले है ये सिट्रिक एसिड, ये दरदरा सा पाउडर जिसको आम बोलचाल की भाषा में नींबू सत या नींबू का सत भी कहा जाता है। यह एक कमजोर अम्ल यानी कि वीक एसिड है जिसका रासायनिक सूत्र यानी फॉर्मूला C6H8O7 आपको स्क्रीन पर जरूर दिख रहा होगा। यह अम्ल प्रकृति में सिट्रस परिवार के फलों यानी कि नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। खाद्य पदार्थ के पैकेट में इसको E330 यानी कि E330 से लिखा जाता है, जिसका अर्थ यह है इसको एक एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। इसका इस्तेमाल प्रीमिक्स जैसे बाजार में आपको ढोकला, रबड़ी, इडली प्रीमिक्स मिलते हैं उसमें किया जाता है, और कई बार घर में बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। घरों में बने टमाटर केचप, प्यूरी, जैम और जेली को संरक्षित करने के लिए इसका उपयोग बहुत थोड़ी मात्रा में होता है। इसका उपयोग चीनी की चाशनी, फलों के सिरप में दोबारा चीनी के दाने ना बनने को रोकने यानी कि एंटी क्रिस्टलाइजेशन एजेंट की तरह भी होता है। यह बाजार में 20 से 25 रुपए में 50 ग्राम बड़ी आसानी से परचून की दुकान या फिर दवाई की दुकान पे उपलब्ध है। इस सिट्रिक एसिड का स्वाद बहुत खट्टा होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है, और इसका इस्तेमाल घर में साफ सफाई का एजेंट बनाने के लिए यानी कि टॉयलेट क्लीनर या बर्तन क्लीनर बनाने के लिए भी किया जाता है। आज का हमारा दूसरा तत्व है टार्टरी। ये जो आपके सामने है ये इस तरह के डले डले फॉर्म में ही अक्सर मिलती है। अक्सर लोग टार्टरी और सिट्रिक एसिड को एक ही समझते हैं। टार्टरी को अंग्रेजी में टार्टरिक एसिड कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र C4H6 और O6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रकृति में यह अम्ल भी फलों जैसे अंगूर, केले, इमली और संतरे में होता है। टार्टरी को खाद्य पदार्थ के पैकेटों में E334 नंबर से चिन्हित किया जाता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट का ही समूह है। टार्टरी बहुत ही खट्टी होती है, बिल्कुल सिट्रिक एसिड की तरह, और इसकी खटास की वजह से इसका इस्तेमाल अक्सर चटनियों को खट्टा करने, गोलगप्पे का पानी बनाने, चाट मसाला या फिर दूध को फाड़ने में भी किया जाता है। यह परचून की दुकान में 80 से 90 रुपए में 100 ग्राम मिल जाती है। ये टार्टरी और सिट्रिक एसिड खट्टे होने के बाद भी रासायनिक रूप से एक दूसरे से भिन्न है। एक महत्वपूर्ण बात, टार्टरी और फिटकरी दो अलग अलग तत्व हैं। हाँ, दिखने में ये एक जैसे जरूर प्रतीत होते हैं। और आज का हमारा तीसरा तत्व है क्रीम ऑफ टार्टर। ये सफेद चून जो आपके सामने है यह है क्रीम ऑफ टार्टर। ये वाइन बनाने की प्रक्रिया से बचा हुआ एक उत्पाद है। इस क्रीम ऑफ टार्टर का रासायनिक नाम पोटेशियम बाइटार्टरेट है। इसका रासायनिक सूत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो है KC4H5O6। इसका उपयोग भी बेकिंग में और सफाई के मिश्रण बनाने में होता है। क्रीम ऑफ टार्टर किसी चीज को उसी अवस्था में रोकने वाला यानी कि बहुत अच्छा स्टेबलाइजर है। जैसे यदि आप अंडे की सफेदी को फेंटें और उसमें जो झाग बने वो उसी अवस्था में रहे, उसके लिए भी क्रीम ऑफ टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह क्रीम ऑफ टार्टर का इस्तेमाल फेटी हुई व्हिपिंग क्रीम में भी किया जाता है, उसको उसी अवस्था में रोकने के लिए। ये बहुत अच्छा गुठली बनने से रोकने वाला एंटी केकिंग एजेंट भी है। बाजार में बहुत से मसालों या फिर प्रीमिक्सेस में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। यदि आप सब्जियों को उबलते हुए इसका 1/4 चम्मच डालें तो सब्जियों का रंग ज्यों का त्यों बना रहता है। क्रीम ऑफ टार्टर का स्वाद
बहुत हल्का खट्टा होता है, जैसे अगर 200 ml पानी में आप 2 बूंद नींबू का रस डाल दें। आप क्रीम ऑफ टार्टर से बेकिंग पाउडर, जिसमें एक हिस्सा बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा और 2 हिस्सा क्रीम ऑफ टार्टर मिलाकर बना सकते हैं, यानी कि मीठे सोडे के साथ मिलकर ये एक बहुत अच्छा फुलाने वाला तत्व बन जाता है। इसके बहुत से ब्रांड डिपार्टमेंटल स्टोर, हेल्थ स्टोर, ऑनलाइन स्टोर में उपलब्ध हैं, जिनका दाम 100 रुपये में 75 ग्राम से शुरू हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी, सिट्रिक एसिड, टार्टरी और क्रीम ऑफ टार्टर के विषय में। और हम आशा करते हैं हमारी आज की जानकारी आपकी एवरीडे लाइफ में ज़रूर यूजफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आर एवरीडे लाइफ।